जानिए जगुआर टाइगर के बारे में। जगुआर पैंथेरा ओनका, जिसे टाइग्रे या टाइग्रे अमेरिकन भी कहा जाता है, बिल्ली परिवार फेलिडे का सबसे बड़ा न्यू वर्ल्ड सदस्य है, जो उत्तरी मेक्सिको से दक्षिण की ओर उत्तरी अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसके पसंदीदा आवास आमतौर पर दलदल और जंगली क्षेत्र होते हैं, लेकिन जगुआर स्क्रबलैंड और रेगिस्तान में भी रहते हैं। जगुआर अपनी मूल सीमा के उत्तरी भाग में लगभग विलुप्त है और केवल मध्य और दक्षिण अमेरिका के दूरस्थ क्षेत्रों में कम संख्या में जीवित रहता है। सबसे बड़ी ज्ञात आबादी अमेज़न वर्षावन में मौजूद है। विशिष्ट रंग नारंगी से तन तक होता है, जिसमें केंद्र में एक काले धब्बे के साथ रोसेट में काले धब्बे व्यवस्थित होते हैं। जगुआर अफ्रीका और एशिया के तेंदुए जैसा दिखता है, लेकिन तेंदुए में ब्लैक सेंटर स्पॉट का अभाव होता है। जगुआर की पीठ की मध्य रेखा के साथ लंबे काले धब्बों की एक पंक्ति होती है जो एक पट्टी में विलीन हो सकती है। जगुआर का आधार रंग सफेद से काले रंग में बहुत भिन्न होता है, हालांकि भूरे और काले जगुआर ठोस रंग के प्रतीत होते हैं। धब्बे हमेशा हल्के से दिखाई देते हैं। एक अकेला शिकारी, जगुआर एक डंठल और घात शिकारी है। इसका नाम यगुआर से आया है। तुपी गुआरानी शब्द, जिसका अर्थ है वो जो एक छलांग से मारता है। जगुआर तेज और फुर्तीले होते हैं और बहुत अच्छे पर्वतारोही होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से पानी में प्रवेश करते हैं और स्नान का आनंद लेते दिखाई देते हैं, हालांकि दिन के दौरान सक्रिय। जगुआर मुख्य रूप से रात में और जमीन पर शिकार करते हैं। कैपबारा और पैकरी उनके पसंदीदा शिकार हैं, लेकिन वे हिरण, पक्षी, मगरमच्छ और मछली भी लेंगे। पशुधन पर कभी कभी उन क्षेत्रों में हमला किया जाता है जहां खेतों ने प्राकृतिक आवास को बदल दिया है। बिल्ली एक क्रूर सेनानी है जब उसे घेर लिया जाता है, लेकिन आमतौर पर मनुष्यों पर हमला नहीं करता है। जगुआर काफी हद तक कूगर और बाघों की तरह एक भूमि अधिग्रहण प्रणाली का पालन करते हैं। मादाएं अतिव्यापी ग्रह श्रृंखलाएं स्थापित करती हैं, और मादा संतानों को अपनी माँ से भूमि विरासत में मिल सकती है। नर महिलाओं की तुलना में दोगुने बड़े क्षेत्र स्थापित करते हैं और कई महिलाओं की श्रेणियों को ओवरलैप करते हैं। दोनों लिंग अपनी सीमाओं को मूत्र के साथ चिन्हित करते हैं। उत्तरी आबादी साल के अंत में संभोग करती है, लेकिन उष्णकटिबंधीय में संभोग गतिविधि एक विशेष प्रजनन के मौसम तक ही सीमित नहीं है। लगभग 100 दिनों की गर्भधारण अवधि के बाद मादा 100-900 ग्राम 2 पाउंड से कम वजन के 1-4 छोटे धब्बेदार शावकों को पालती है, जो 13 दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। माँ लगभग 2 साल तक बच्चे की परवरिश करती है। पूर्ण आकार और यौन परिपक्वता 3-4 साल में पहुंच जाती है। जगुआर की भौगोलिक सीमा एक बार यूएस मेक्सिको सीमा से उत्तर में ग्रैंड कैनियन के रूप में दक्षिण की ओर पैटागोनिया अर्जेंटीना तक फैली हुई थी। पर्यावास की हानि और विखंडन, ट्रैफिक शिकार, शरीर के अंगों में अवैध व्यापार और पशुधन के नुकसान से होने वाली प्रतिशोधी हत्याओं ने जगुआर की भौगोलिक सीमा और इसकी आबादी को कम कर दिया है। वन्यजीव अधिकारियों का अनुमान है कि 64,000 जगुआर बचे हैं, जिनमें से 89% वैश्विक आबादी अमेज़न नदी के बेसिन में रहती है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 2002 से जगुआर को एक निकटवर्ती खतरे वाली प्रजाति के रूप में